आपको खबर देते हैं लाहौर से। लाहौर में तूफान बारिश से शहर के नशेबी इलाके ही नहीं पोश इलाके भी पानी में डूब गए। छत गिरने और करंट लगने से दो बच्चियां जहां बहाक और बिजली और ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। लाहौर को पेरिस बनाने का जो दावा करते थे वो सच हो गया, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, पेरिस नहीं बना, वीनस बन गया। लाहौर पेरिस तो ना बन सका लेकिन वीनस जरूर बन गया। हुकूमत पंजाब की कारकर्दगी क्या है? लाहौर में सुबह 5 बजे शुरू होने वाली मूसलाधार बारिश ने आईना दिखा दिया। मूसलाधार बारिश के बायस मनावा में मकान की छत गिरने से 2 साल बच्ची फातिमा जहाँ बहक, जबकि वालिद, वालदा और भाई जख्मी हो गए। सब्जाजार में करंट लगने से 9 साल लड़की जान से गई। तूफानी बारिश से लाहौर की सड़कें तालाब बन गईं, मुतादित गाड़ियां बंद हो गईं, मोटरसाइकिल वाले हों या गाड़ी वाले सब थक्के लगाते और इंतजामिया को दुहाई देते नजर आए। आज लाहौर का ये हाल है कि लाहौर की सड़कें, लाहौर का पोश एरिया डूबा हुआ है, लोगों की गाड़ियां डूबी हुई हैं, बेचारे मोटरसाइकिल वाले, साइकिल वाले, उनका तो कोई हाल ही नहीं। बस मैं यही कहना चाहूँगा जी कि बस इस कौम को शेर से माफी दिलवा दें, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। बारिश होते ही शहर के 150 से ज्यादा फीडर ट्रिप कर गए। शहर का एक बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा।